जी आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी क्लास में हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में कि प्राइस लेवल के फीचर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, समय के हिसाब से धीरे धीरे हमारे प्राइस लेवल चेंज होते रहते हैं। देखिए, जब किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है और डिमांड ज्यादा होता है। जब किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कम होगा और डिमांड ज्यादा रहेगा, तो ऐसे केस में उसका दाम बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड कम है, तो दाम उसका घट जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि जिन आइटम को हमने प्राइस लेवल बनाया था उनमें कोई चेंजेज हो जाए, ऐसा भी संभव है। तो अगर हमने प्राइस लेवल बना दिया और अब उस प्राइस लेवल को हमें चेंज करना है, तो इस ऑप्शन को बोलते हैं रिवाइज करना। इसे बोलते हैं रिवाइज द प्राइस लेवल। तो अगर हम प्राइस लेवल को रिवाइज करना चाहें, तो जिस तरह से हम प्राइस लेवल बनाते हैं उसी तरीके से हम प्राइस लेवल को रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत टाइम लगे। जरा हेडिंग नंबर बताओ हमको रिवाइज वाले का। हेडिंग नंबर कुछ लिखा होगा ना, 1.2। वन पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर हाँ, रिवाइज प्राइस लिस्ट। देखो ध्यान से, यही टॉपिक आज हम लोग को देखना है। द प्राइस ऑफ स्टॉक आइटम वेरीज, वेरी मतलब चेंज होना, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। द प्राइस में इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज, घट भी सकता है। आइटम का प्राइस हमारा बढ़ भी सकता है और आइटम का प्राइस हमारा घट भी सकता है, बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन के आधार पर। देन एज पर द लेटेस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक आइटम, द प्राइस इज डिफाइंड इन टेलीप्राइम कैन बी रिवाइज। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, एज ऑन 31 मई 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल वांट टू रिवाइज द प्राइस लिस्ट फॉर होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर एज द स्टॉक आइटम आर इंक्रीज बाई ₹50। हर स्टॉक आइटम का दाम ₹50 से क्या हुआ, बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम कंपनी को ओपन करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, प्राइस लिस्ट पर जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसी प्राइस लिस्ट जिसका दाम हमको चेंज करना। तो देखिए, यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है प्राइस लिस्ट में, हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है वॉशिंग पाउडर, ठीक है, और हमें इनके प्राइस को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है ₹50 से। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं, दे रखा है एज ऑन 31 मई 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल वांट टू रिवाइज द प्राइस लिस्ट फॉर होलसेलर डीलर एंड रिटेलर एज द स्टॉक आइटम इज इंक्रीज बाई 50। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट पर और यहाँ प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप पर जाना है। जैसे यहाँ पर जाएंगे, दाहिने साइड के पैनल पे आपको दिखेगा ऑप्शन रिवाइज प्राइस का मिल रहा है, आप रिवाइज प्राइस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पूछेगा स्टॉक ग्रुप का नेम, यानी किस आइटम का आपको प्राइस रिवाइज करना है। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आप वॉशिंग पाउडर। प्राइस लेवल किसके लिए बढ़ाना है, हमने सेलेक्ट कर लिया होलसेलर। ये नया वाला प्राइस कब से एप्लीकेबल होगा, वो डेट आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो डेट दे रखा है वो डेट दे रखा है 31 मई, तो हम यहाँ डेट डाल देंगे 31 मई से। अब यहाँ रिवाइज प्राइस पूछा जा रहा है, इसमें चार विकल्प है। सबसे पहला डिक्रीज बाई अमाउंट, अमाउंट कम होना, फिर डिक्रीज बाई परसेंटेज, वैल्यू जो है परसेंटेज के रूप में घट जाना। जैसे कंपनी ने बोला 31 मई से हमारी इस प्रोडक्ट का दाम 10% कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दाम घट रहा है लेकिन कैसे घट रहा है, परसेंटेज के रूप में, तो हम डिक्रीज बाई परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑप्शन पूछ रहा है इंक्रीज बाई अमाउंट, अगर किसी आइटम का दाम बढ़ जा रहा है, मान लो उसका आइटम ₹100 था, कंपनी ने उसका दाम ₹5 और बढ़ा दिया, बढ़ गया 105, अमाउंट हो गया इंक्रीज बाय परसेंटेज। अगर वो इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज के रूप पे, तो
तो हम लिख देंगे इंक्रीज बाई परसेंटेज। तो यहां पर 50 रुपए में बढ़ाना है, तो बढ़ाना है मतलब इंक्रीज हो रहा है, और रुपया मतलब अरे बाप रे कलर किया जा रहा है, हाँ इंक्रीज किया जा रहा है मतलब बढ़ाना, और कितना रुपए 50 रुपए। तो हम सेलेक्ट करेंगे इंक्रीज बाई अमाउंट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दाम हम बढ़ा रहे हैं और फिक्स रुपए के हिसाब से बढ़ा रहे हैं 50 रुपए। तो इंक्रीज बाई अमाउंट कितना भर देंगे 50, क्योंकि सबका दाम कितना कर रहे हैं 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। इंटर करेंगे, पूछ रहा है डिस्काउंट को भी चेंज करना है, हमने बोला नहीं, इंटर कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड टू व्यू प्राइस लिस्ट, प्रेस एनी की। अब यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमको नया प्राइस दिखाने लगेगा। ध्यान से देखो, सबका दाम जो है बढ़ गया है 50-50 रुपया। देखो पहले इसका दाम था 220 रुपए, अब बढ़ के 270 हो गया। इस आइटम का दाम 170 था, बढ़ के 220 हो गया। इस आइटम का दाम 210 था, 50 पर बढ़ के 260 हो गया। इस आइटम का दाम 160 था, बढ़ के 210 हो गया। बस में है ना, सबका दाम जो है बढ़ जा रहा है, सबका रेट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रेट कैसे चेंज हो रहा है, रिवाइज ऑप्शन पे जाने के बाद। ठीक है, तो ये रिवाइज हमने किसके लिए किया, होलसेलर के लिए किया। ये वाशिंग पाउडर का 50 रुपए दाम हमने बढ़ा दिया, सारे वाशिंग पाउडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया, किसके लिए, होलसेलर के लिए। और हमें इससे ऊपर लेना है क्या, एक्सेप्ट। अगर इसी तरह हमें रिटेलर के लिए बढ़ाना हो तो हम यहाँ वाशिंग पाउडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे रिटेलर, डेट डाल देंगे, ठीक। और यहाँ पे जो भी दाम, देखिए हमें जाना है क्रिएट में, क्रिएट में जाने के बाद प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप पर जाना है, और यहाँ पे जाना है रिवाइज प्राइस, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वाशिंग पाउडर, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे रिटेलर, और यहाँ पे कर देंगे इंक्रीज बाई अमाउंट, और अमाउंट कितना 50। इससे क्या होगा, वाशिंग पाउडर का दाम सारे रिटेलर के लिए बढ़ जाएगा, वाशिंग पाउडर का दाम सारे रिटेलर के लिए चेंज हो जाएगा, 50-50 रुपए बढ़ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हमें जो है वाशिंग पाउडर का दाम बढ़ाना है, हम सेलेक्ट कर लेंगे रिवाइज प्राइस पर चले जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे वाशिंग पाउडर, और इस बार बढ़ाना हमें डीलर के लिए, हमने सेलेक्ट कर लिया डीलर, डेट 31 मई, इंक्रीज बाई अमाउंट, और रुपीज कितना हो गया 50, और इसको हम कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, तो ये भी रिवाइज हो। अब देखो सबका दाम 50-50 पर बढ़ गया, जो आइटम 240 का था वो बढ़ के कितना हो गया 290, जो 190 का था वो 240 का हो गया, जो 230 का था वो बढ़ के 280 हो गया, और जो 180 था वो बढ़ के 230। बस में आ रहा ना, इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक आइटम का किसी भी स्टॉक का रेट घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। घटाने और बढ़ाने का ये प्रोसेस हमारा कराता है रिवीजन करना, रिवाइज करना, रिवाइज करने वाला उसको अपडेट करना, उसको करेक्शन करना, उसको चेंज करना। बस मैं ठीक, तो यहां से रिवाइज करने का ऑप्शन है। अब रिवाइज करने के बाद हम सेल्स वाउचर में जाके रिकॉर्ड करेंगे, तो ये रिवाइज का दे रखा है स्क्रीनशॉट, यहाँ पे देखो रिवाइज हो रहा है। सेम इसी तरीके से आपको होलसेलर और रिटेलर के लिए भी बढ़ाना है, तो ये हो गया रिवाइज। अब लिखा है रिकॉर्डिंग द सेल्स वाउचर विथ रिवाइज प्राइस लिस्ट। अब रिवाइज प्राइस लिस्ट के हिसाब से हमको इसको सेल करना है, ये लोकेशन गलत दे रखा है, इसको चेंज करके दिए पडरौना लोकेशन। अब देखो 31 मई को हम सेल कर रहे हैं साई होलसेलर को, तो हम यहाँ वाउचर में आ गए, वाउचर में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ से सेल्स वाउचर में, ये अप टू से डेट डाल देंगे, डेट हो जाएगा हमारा 31 मई का, पार्टी का नेम हो जाएगा साई होलसेलर, कंट्रोल से हम करेंगे एक्सेप्ट। अब नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हैं, सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड, ये हमने सेलेक्ट कर लिया टॉप लोड, गोडाउन सेलेक्ट कर लिया, बैच सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, देखो रेट अपने आप बढ़ के आ गया। पहले इसका दाम कितना था 160 रुपए, 50 रुपए इसका दाम बढ़ गया, अब दाम कितना हो गया 210 रुपए। इसको क्रॉस चेक करना, थोड़ा सा बैक आइए, बैक आने बाद अप टू से डेट चेंज कर दीजिए, इस बार डेट डाल दीजिए 1 अप्रैल का,
तो देखो 1 अप्रैल में दाम कितना दिखा रहा है, 160 दिख रहा ना। और हमने चेंज कब किया, हमने चेंज किया 31 मई से, तो 31 मई और उसके बाद के सारे डेट में अप्लीकेबल होगा वो। हमने बोला आज से जो हमारे कोर्स का दाम 13,500 से बढ़ के 15,000 हो गया, तो समझाया। तो ये अप्लीकेबल कब होगा, आज से। जो बच्चा 1 अप्रैल में एडमिशन ले लिया होगा या आज की डेट से पहले एडमिशन लिया होगा उसके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं हो। वही चीज यहाँ पर भी है कि किसी आइटम का दाम अगर हमको बढ़ाना है तो हम यहाँ से उसके दाम को चेंज कर सकते हैं। तो अब तू आपको डेट सेलेक्ट कर लेना 31 मई का डेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे भर दिया जून, ठीक है, और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये डेट अपने आप 210 हो गया, इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। हो जाएगा। अब ये रिसिप्ट की एंट्री ये कर लेंगे आप लोग। देखो बोला रहा है 31 मई को रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹10,500, 10,500 रुपए रिसीव हो रहा है किससे, साई होलसेलर से। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहां से रिसिप्ट वाउचर में। देने वाला क्रेडिट होता है, देने वाला कौन है, साई होलसेलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस जाएंगे, 10,500 रुपए सेलेक्ट कर लेंगे, डेबिट कर देंगे कोटक बैंक को, चेक नंबर वगैरह भर के इस अमाउंट को हम कर लेंगे रिसीव। अब हमको देखना स्टॉक क्वेरी। देखो स्टॉक क्वेरी क्या होता है, किसी स्टॉक से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए स्टॉक क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो ये रिमोट नहीं, ये चॉकलेट, मान लो ये चॉकलेट हमने खरीदा, क्या समझ आ रहा, बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा बात इसकी कीमत की नहीं है, बात इसके टेस्ट की। बस वह तो बहुत पानी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हे शांत रहो, मान लो इस चॉकलेट को हमने खरीदा, अब इस चॉकलेट की पूरी हिस्ट्री हम देखना चाहते हैं कि इस चॉकलेट को कब खरीदा, किससे खरीदा, कितना कितना खरीदा, किस रेट में खरीदा, कब बेचा, किसको बेचा, किस रेट में बेचा और कितनी क्वांटिटी बेचा, और अभी हमारे स्टॉक में कितना बचा हुआ है, इसका एवरेज कॉस्ट क्या है, इसका स्टैंडर्ड सेल प्राइस क्या है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें निकालना हो तो उसका सलूशन है स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी करता क्या है, किसी भी स्टॉक से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन को निकाल के हमारे सामने लेकर आता है। और दूसरी चीज, अगर मान लो हम सेल करने जा रहे हैं, हम किसी आइटम को सेल करने जा रहे हैं, तो सेल करते समय सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है उसका परचेज प्राइस पता करना। भाई अगर हमको ये पता चलेगा कि चॉकलेट की खरीद 4 रुपए है, तब तो इसको 5 रुपए में सेल करेंगे। जब ऑलरेडी इसकी खरीद 5 रुपए में है तो 5 रुपए में सेल करने से कोई फायदा है नहीं। यानी सेल करते समय उसका परचेज प्राइस जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम सेल करते समय उसका परचेज प्राइस नहीं जानेंगे, तब तक हम सही रेट पर उसको सेल नहीं कर सकते। जो दुकानदार, आप सोचिए आपका दुकान हो, आपको पता ना हो कि इस आइटम को हमने खरीदा कितने में, तो क्या बेचते समय आप ग्राहक को सही रेट दे सकते हैं, नहीं, आपको हमेशा डर रहेगा कि ऐसा ना हो अपना घाटा हो रहा है, ठीक है, बात समझ आया। अब परचेज प्राइस चेक करना हो तो पहला तरीका, परचेज रजिस्टर में जाइए, फिर खोजिए उस आइटम को कब खरीदे, फिर उसका रेट देखिए, या स्टॉक क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, तो इसका इस्तेमाल दो तरीके से बताते हैं। पहला, अगर हमको सेल करते समय परचेज प्राइस जानना हो तो हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में, पार्टी का नेम में सेलेक्ट कर लिया साई होलसेलर, कंट्रोल से कर लिया एक्सेप्ट, लेजर सेलेक्ट कर लिया, नेम ऑफ आइटम ने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा आइटम है। हमें इस आइटम का पूरा हिस्ट्री निकालना है कि इस आइटम को कब खरीदा, किससे खरीदा, किस रेट में खरीदा, ये सब कुछ हमें पता करना हो। इसकी शॉर्टकट की है अल्ट एस। आइटम सेलेक्ट किए हुए अगर आपने कीबोर्ड से अल्ट एस बटन दबा दिया तो तुरंत ही उसकी पूरी हिस्ट्री दिखा देगा। देखो यहाँ आपको पता चल जा रहा है कि आइटम हमने जो है 1 अप्रैल को खरीदा, केसरी ट्रेडर से खरीदा, 600 केजी खरीदा था, दाम था 160 रुपए के हिसाब से।
इस आइटम को हमने 2 मई में सेल किया और सेल किया हमने 150 रुपए के रेट, 150 केजी सेल किया 170 रुपए के रेट। बस में आ रहा ना, ये पूरी हिस्ट्री इसकी बता देगा। बस सेल करते समय आइटम को सेलेक्ट करके, जब आप सेल वाउचर में होते हैं तो बस इसी आइटम को पहले सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट एस बटन दबा देंगे, स्टॉक क्वेरी खुल जाएगा और आपको उसका परचेज प्राइस पता चल जाएगा। बहुत काम का फीचर है ये। अगर आप टैली सीख कर कहीं भी जॉब करने जाएंगे और आप पूछेंगे मालिक ये चेयर कितने में बेचा जाए, तो मालिक कहेगा पहले बताओ खरीदा कितने में था। तो आप यहीं से अल्ट एस बटन दबा के चेयर सिलेक्ट कर लोगे, पहले सेल्स वाउचर में जाके अल्ट एस बटन दबाओ तो पता चल जाएगा कब खरीदा था, किससे खरीदा था, कितने में खरीदा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उस आधार पे अपने मालिक को बता दोगे कि भैया चेयर हमने 170 रुपए में खरीदा, फिर वो बताएंगे कि इसका कितना मार्जिन, इस पर कितना प्रॉफिट लेके सेल करना है। बात समझ में आ रहा ना, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। समझ में आ रहा ना ये चीज, इसको चेक करने का यही तरीका। सेल करते समय आप आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड दबा देंगे अल्ट के साथ एस बटन, जैसे कीबोर्ड में अल्ट एस दबाएंगे उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा का पूरा क्वेरी आपके सामने आ जाए। बताओ कोई दिक्कत? ये इसका पहला तरीका हो गया। दूसरा, अगर स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट आपको देखनी है तो आप अल्ट जी बटन दबाएं, गो टू पर आ जाइए, अल्ट जी से गो टू, और यहां आने के बाद आप टाइप करिए स्टॉक, यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा स्टॉक क्वेरी, यहाँ क्लिक करेंगे, जिस आइटम का इंफॉर्मेशन आपको देखना है उस आइटम को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस आइटम का पूरा डिटेल आपको दिखा देगा, कब परचेज किया, किससे परचेज किया, कब सेल किया, किसको सेल किया, किस रेट में खरीदा, किस रेट में सेल किया, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, स्टॉक कितना बचा हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएगा, बैच नंबर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। बस मैं तो यहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी किसी स्टॉक की क्वेरी आप लगा के स्टॉक का रेट वगैरह प्राइस वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत? दोनों तरीके से, दोनों तरीका अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सेल करते समय अगर आपको परचेज प्राइस देखना हो तो स्टॉक क्वेरी शॉर्टकट की अल्ट एस। तो ये टॉपिक था स्टॉक क्वेरी का। अब आपको रिपोर्ट चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, ट्रायल चेक करना है और स्टॉक समरी चेक करना है। चलिए बारी बारी सब कुछ से चेक करते हैं, और इसके चेक करने के साथ ही साथ आप लोग का लेसन यहाँ पे हो जाएगा समाप्त, द एंड। देखिए ध्यान से, हम बैलेंस शीट पर आएंगे, हमारे बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अगर डिफरेंस आ जाएगा तो फिर पीटे जाओगे तुम लोग। देख लो बैलेंस शीट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, समझाया? कोई जरूर नहीं, जितना हमारे मारा उतना आप में आ जाए, हमें एक दो ट्रांजेक्शन बीच में छोड़ दिए थे कि अपने हिसाब से आप लोग कर ले, बट डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देखो दोनों साइड का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बीच में कहीं डिफरेंस वाली लाइन नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिख कर नहीं आना चाहिए। प्रॉफिट चेक करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइए और अल्ट F1 बटन दबाइए, तो पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है 60,260 रुपए का। आपके प्रॉफिट अलग होगा लेकिन प्रॉफिट कुछ दिखेगा। ट्रायल चेक कर लीजिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए और ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए अल्ट के साथ F1 बटन दबा के या कीबोर्ड में से या F5। ये देखो ट्रायल भी दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, दिख रहा ना? अब है स्टॉक क्वेरी, स्टॉक क्वेरी अगर आपको देखना है तो आप आ जाइए वापस स्टॉक क्वेरी पर, और यहाँ पे आप या फाइव से आइटम वाइट पे आ जाइए और स्टॉक क्वेरी आपको दिखाएगा। जिन आइटम की क्वांटिटी बची नहीं है उसको नहीं देखना अगर है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी, इसे कर दीजिए नो, और नो करने के बाद कंट्रोल ऐसे कर दीजिए सेव, और यहाँ या फाइव बटन दबाएंगे तो आइटम वाइज आपको शो होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये सब रिपोर्ट चेक कर लेंगे ना। अब मंडे को टेस्ट होगा, पहले से बता दे रहे हैं,
आ गए पढ़ने तो बच जाओगे, नहीं पढ़ने आओगे तो ट्यूटर आओगे तब पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लेसन जो अभी पढ़ाया उस लेसन का हाँ, अरे दो ये टॉपिक है, इसमें एक बैच है और दूसरा प्राइज लेवल प्राइज लिस्ट है। हाँ बस और क्या है, दो टॉपिक इसमें पढ़ाए इस लेसन में भाई। स्टॉक आइटम बनाना, ग्रुप बनाना, लेजर बनाना पहले से आप जानते थे, दो नए चीज आप सीखे, एक तो बैच का एक प्राइज लेवल प्राइज लिस्ट का, दो ही चीज सीखे, दो ही चीज से संबंधित टेस्ट होगा आपका। हाँ हो जाएगा टेस्ट, पहले बता देना घर से पढ़ के आना, कल संडे का दिन है, आप लोग पास पूरा भरपूर टाइम है, ठीक है।